हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SS Study 2.0 पर। तो आज हम हिंदी के 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और ये हिंदी के 20 प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जैसे आने वाली परीक्षाएं, जैसे लेखपाल की भर्ती आने को है, UP पुलिस, UPSI, UPTGT, PGT, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ हिंदी पूछी जाती है, सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखें, और तुम शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि आलस्य के शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो देखो, आलस्य क्या, आलसी होता है। विशेषण क्या होता है? आलसी। जैसे हम कहते हैं वह आलसी है, जैसे इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब समझ लीजिए, जैसे हमने कहा वह आलसी है, तो ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। उसी आलसी शब्द से क्या बन जाता है, आलस्य। तो आलस्य जो शब्द होता है उसका विशेषण क्या है, आलसी। और यही पूछा है प्रश्न में कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस शब्द का विशेषण क्या है, आलसी है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया में जो क्रिया पढ़ाई थी वीडियो में, तो मैंने इसमें चर्चा की थी कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे लिखना है, तो लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। जैसे हमने कहा लिखना सकर्मक क्रिया हो गई, और वो कह रहा है सकर्मक क्रिया है, और रोना कह दिया मैंने, क्या कह दिया, रोना। हमने कहा बच्चा रोता है। अब प्रश्न किया क्रिया के साथ क्या रोता है, तो हमने कहा क्या रोता है, तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। सकर्मक क्रिया की पहचान होती है कि क्रिया के साथ क्या का प्रश्न लगाने से जब उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक होती है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या होती है, अकर्मक होती है। ये मोटी पहचान होती है सकर्मक और अकर्मक की। तो जैसे लिखना क्रिया है, क्या है, लिखना है आपकी क्रिया, तो लिखना में क्या है, देखिए हमने कहा वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो लिखना कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अब इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। जबकि रोना है, जैसे रोना का तो वह रोता है, हमने कहा क्या रोता है, तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। हंसना, हंसना भी अकर्मक है, रोना भी अकर्मक है, सोना भी क्या है, अकर्मक है। वो पूछा क्या है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, तो इसमें लिखना जो क्रिया है वो कैसी मानी जाएगी, सकर्म। इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम। संज्ञा हम किसे कहते हैं, किसी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ क्या है, जिस शब्द विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसकी परिभाषा वैसे इस तरह से हो जाती है कि जिस शब्द से किसी क्रिया का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या क्या, हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तीनों कैसे हैं, विकारी शब्द। जो पिछले वीडियो, जो वीडियो हमने बनाए थे, उसने ये बात स्पष्ट की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि क्रिया किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, क्या पूछिए, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया में कर्म हमेशा साथ में होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता है। तो देखिए, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, मैंने प्रश्न किया क्या लिखी, गीतांजलि, तो इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है। पूछा क्या है, प्रश्न में नहीं पूछा है, तो आपको ध्यान रखना जिसमें नहीं है। सीता भोजन बना रही है, तो क्या बना रही है, भोजन, ये भी क्या हो गई, सकर्मक हो जाएगी। श्याम रोता है, तो रोना देखिए क्या रोता है, अब इसका उत्तर नहीं मिल सकता है। क्रिया के साथ अगर क्या का प्रश्न करे क्या रोता है, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया हो गई। ये कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया। तो इसका उत्तर आपका सही हुआ। क्या पूछा है, सकर्मक क्रिया नहीं, अर्थात इसमें भी सकर्मक क्रिया है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। बच्चा फल तोड़ता है, तो तोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी कर्म, सकर्मक क्रिया है। जबकि श्याम रोता है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि रोना अकर्मक क्रिया होती है। उत्तर आपका सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, अब पूछ रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, पूछा है। अब जैसे मैं कह दूं, जैसे मैंने क्या कह दिया कि भयभीत, भय, भीड़ और निर्भीक कह दिया जैसे, तो देख लीजिए हमने कहा वह भयभीत है,
तो इसकी विशेषता हो गई, वह भयभीतता कैसी विशेषता हो जाएगी, वह भीर हुए, वह डरपोक, वह निर्भीक है बिना भय का, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, भयभीत, भीर और निर्भीक, तीनों क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, जबकि भय विशेषण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या पूछा है उसने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने वीडियो जब बनाया था तो उसमें बताया था मैंने कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे किसी वस्तु के निश्चय का बोध नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तो जब मैंने सर्वनाम वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है कुछ होता है, क्या होता है कुछ होता है, एक क्या होता है कोई होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या होगा, उसका आंसर आपका हो जाएगा, इसमें जो कुछ मिल रहा है आपका, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। अब वो कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ क्या बड़ा घर है तो घर की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा घर क्या हो जाएगा विशेष, यानी दोनों की परिभाषा देखिए। जब मैंने विशेषण का वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट किया था विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसमें जाके देखें, वीडियो मिल जाएगा आपको विशेषण वाला। तो इसमें देख लीजिए मैंने क्या किया बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, तो देखो विशेषण जैसे हमने कहा किसी वस्तु की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। यहाँ घर की विशेषता क्या है बड़ा, तो बड़ा विशेषण हो जाएगा और घर क्या हो जाएगा विशेष। ऐसे ही आदमी छोटा आदमी, तो आदमी कैसा है छोटा है, तो छोटा क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा विशेष। नीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या है वो नीला, तो नीला विशेषण। ये पूछा क्या है विशेष पूछा, ध्यान दीजिए क्या पूछा है विशेष। तो इसमें घर, घर आदमी, और यहाँ देखिए गलत लिख गया है कि बस लिखा है वस्त्र होगा, क्या होगा वस्त्र होगा यहाँ पे, तो घर आदमी और क्या हो जाएगा यहाँ पे वस्त्र हो जाएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये तीनों क्या है, ये क्या माने जाएंगे विशेष माने जाएंगे, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, सॉरी क्या कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इस कहावत का अर्थ है, तो इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा देखिए कि भेंट, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी वाला, कौन सा सही हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भेंट की वस्तु को सहायता से स्वीकार कर लेना चाहिए बिना उसके मूल्य के छानबीन के, ठीक है। अच्छा ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, तो इसका क्या हो जाएगा पौरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पौरस, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मैथिली षड्गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो देखिए क्या कह रहे हैं मैथिली षड्गुप्त, तो ध्यान दीजिए जो गुप्त जी हैं वो किस में आते हैं आपके द्विवेद युग में आते हैं। द्विवेद युग किसके नाम पे पढ़ा था, माधव प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पढ़ा था, और माधव प्रसाद द्विवेदी मैथिली षड्गुप्त क्या थे गुरु थे। अच्छा तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, अश्लील शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, कौन सा सही हो जाएगा ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार, व्यंगकार होगा शब्द क्या होगा आपका व्यंगकार, कारण होगा क्या होगा व्यंगकार है, तो देखिए ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये रचना है आपके, और ये क्या है क्योंकि हास्य व्यंग के सबसे बड़े व्यंग कौन हुए हिंदी हरिशंकर परसाई माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं हरिशंकर परसाई, तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख का विलोम क्या है, क्या कह रहा है मुख का विलोम क्या है, अब मुख का विलोम पूछना है तो मुख का विलोम क्या हो जाता है देखो बाचाल होता है, क्या होता है मुख का विलोम बाचाल होता है, उत्तर आपका सही हो जाएगा बी वाला सही आंसर है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तनु का पर्यायवाची शब्द है, अब तनु का देखो क्या होता है देखो
शरीर होता है, क्या होता है, शरीर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, किसका पूछा, दर्प का। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। कौन सा होगा पर्यायवाची शब्द पूछा है, उत्तर आपका सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, किसका पूछ रहा है, दिनकर का पूछ रहा है। तो दिनकर के क्या कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची क्या है इसमें, देख लीजिए इसमें हो जाएगा आपका बी वाली सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, बी, ये किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है। अगला देखिए कि पिकवद किसका पर्यायवाची शब्द है, पिकवद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पिकवद किसको कहा जाता है दोस्तों, मित्र उसको, आम को कहा जाता है, किसको कहते हैं, आम को। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला। ये अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रसून किसको कहते हैं, पुष्प को कहते हैं, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, प्रसून होता है। तो इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला सही। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, क्या कह रहे हैं, भुजंग का पर्यायवाची, भुजंग किसको कहते हैं, सर्प को कहते हैं, किसको कहते हैं, सर्प को कहते हैं। इसके लिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ देखिए, अंतिम प्रश्न ये कि मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मनोज जो है वो किसका हो जाएगा, ये डी वाला सही हो जाएगा, कौन सा, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, मनोज होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। अगर बाई चांस इसमें मनोज में संधि भी पूछी जाती है, संधि जब पूछी जाती है ध्यान में रखिए, मन धन क्या हो जाता है, ज हो जाता है, इसमें दूसरी संधि होती है मनोज में। तो यहाँ इसके प्रश्न के अनुसार क्या है, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा गया है, इसलिए कामदेव क्या है, पर्यायवाची। बाई चांस अगर इसमें पूछा जाए मनोज शब्द में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना कौन सी है, इसमें विसर्ग संधि होती है, मन धन जगह टूटता है मनोज। ठीक, तो इस वीडियो में 20 प्रश्न थे, आप लोग अपने कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न, 20 क्वेश्चन थे और 20 में से कितने सही, अगर आपके 15 प्लस हो रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, करके देखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज रखते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप मेरे वीडियो देखते रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।